नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो ने वाली कास्ट स्टीरियो को रिमूव करने के ऊपर, और इसे रिमूव करने का कारण कुछ भी हो सकता है। आप इसे जस्ट रिपेयर करना चाहते हो, या फिर इसे रिप्लेस करके एक न्यू स्टीरियो लगाना चाहते हो, या फिर इसे मॉडिफाई करके यहाँ पर एक एंड्रॉइड टच स्क्रीन वाला जो स्टीरियो है वो लगाना चाहते हो, तो इसे रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी जो ये फ्रेम है ये ओपन करनी पड़ती है। और ज़्यादातर गाड़ियों में इसे ओपन करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। आपको जस्ट ये चेक कर लेना है कि यहाँ पर बॉटम की साइड पर कोई भी स्क्रू वगैरह ना लगाओ। अगर स्क्रू लगाओ तो पहले आप उसे ओपन कर लें। और मेरे केस में ये जो ये गाड़ी है ये अल्टो एलेक्सा है, इसमें कोई भी स्क्रू वगैरह नहीं लगाए। और इसकी जो ये फ्रेम है ये इसके बैक साइड पे कुछ प्लास्टिक के क्लिप्स लग रहे थे, जिसकी वजह से ये डैशबोर्ड के साथ में लगी रहती है। तो इसे जो जस्ट आपको यहाँ पर पकड़ना होता है और इसे बाहर की तरफ को खींच लेना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आप यहाँ पर एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर जो इसके यहाँ जो क्रैक्स वगैरह दिख रहे हैं आपको यहाँ पर है, इसके बीच में आप इस तरह से लगा के इसे जो प्राई ऑफ करने की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वही आप यूज़ करें, और फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर को जो यहाँ पर यूज़ ना करें। क्योंकि अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर में स्क्रैचेज और डेंट पड़ने की जो है संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप मान लीजिए कि इसे यूज़ कर भी रहे हैं तो इसे बॉटम की साइड पर यूज़ करें। अगर कोई डेंट और स्क्रैच यहाँ पर पड़ता भी है तो वो दिखेगा नहीं। तो इसे रिमूव करने के लिए आपको बॉटम पे कुछ इस तरह से अपनी फिंगर्स रखनी है और यहाँ पे थंब रखने हैं, और इसे बाहर की तरफ को खींचने की ट्राई करनी है। आपको दोनों ही हाथों का यूज़ करना है, सिंगल से ये ओपन नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आपको इसे बाहर की तरफ को खींच लेना है। ये देखिए, जब ये यहाँ पर इसके क्लिप्स ओपन हो जाएं तो आपको अपनी जो फिंगर्स है बैक साइड पर लगाते हुए बाकी के जो क्लिप्स हैं ऊपर तक इसे रिमूव करते जाना है। कुछ इस तरह से ये देखिए, ये बाहर निकल चुकी है। और यहाँ पे इसका जो हज़ार स्विच लगा हुआ है, इसके बैक साइड पे इसका जो कपलर है उसे आपको ओपन कर लेना है। इसके कपलर के बॉटम में यहाँ पर एक क्लिप लगा रहता है, उसे आपको दबाना है और ये बाहर निकल आएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये एक प्लास्टिक क्लिप लगा रहता है, आपको इसे प्रेस करना होता है और ये यहाँ पर रिमूव हो जाता है। इसके बाद में स्टीरियो के साइड पर आप ये देखिए चार स्क्रूज लगे हुए हैं, आपको इन स्क्रूज को ओपन कर लेना है। स्क्रूज ओपन करने के बाद में आपको सिंपली इसे पकड़ना है और बाहर की तरफ को खींच लेना है कुछ इस तरह से। और बैक साइड पे यहाँ पर एक जो आपको कपलर देखने को मिलेगा, और इस कपलर को भी आपको यहाँ पर एक हल्का सा एक क्लिप दिखेगा, उस क्लिप को प्लास्टिक क्लिप को जो दबाना है और इस कपलर को जो ओपन कर लेना है। ये देखिए, ये रहा वो प्लास्टिक क्लिप, आपको इसे दबाना होता है और ये अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर ये एक हमारा जो एंटीना लगा रहता है उसकी लीड है, उसे भी आपको रिमूव कर देना है। और ये जो हमारा स्टीरियो है ये बाहर आ चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ मेटल की ब्रैकेट बनी रहती है दोनों तरफ, ये देखिए। और इसके ऊपर में ही हमारा ये जो स्टीरियो वो लगा रहता है। अगर आप इसे रिप्लेस कर रहे हैं और नया स्टीरियो की जगह लगा रहे हैं तो आपको पहले इन दो स्क्रूज को ओपन करना है और इन दोनों साइड पे, और इस ब्रैकेट को निकाल लेना है। और जो नया आप स्टीरियो लगा रहे होंगे उस पर आपको इस ब्रैकेट को माउंट करना है, फिर आपको इसे लगाना होता है। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरे केस में यहाँ पर इस स्टीरियो के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा गंदगी लगी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी है, ये देखिए। तो मैं इसे जो क्लीन कर लेता हूँ और उसके बाद में हम इसे दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। कार स्टीरियो को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इसका जो यहाँ पर बैक साइड पे वायरिंग कपलर है वो लगा देंगे। तो आपको जस्ट इसे जो यहाँ पर रख के प्रेस कर देना है और ये अपनी जगह पर लग जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो एंटीना की जो वायर है वो लगा देंगे और इसे अपनी जगह पर कुछ इस तरह से रख देंगे। और इसके बाद में इसके जो हमने ये स्क्रूज निकाले थे इन्हें लगा देंगे। इसके बाद में इसकी जो फ्रेम है वो लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो इसका हज़ार स्विच है, पहले इसका कपलर लगाएंगे। तो इसका कपलर जो है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। देन इसका जो ये फ्रेम है, इसके जो पोजीशन है वहाँ पे रख के, इसकी जो सीट है वहाँ पे रख के इसे जो जेंटली आपको जो प्रेस कर देना है। ये देखिए, इसकी जो फ्रेम है ये अच्छी तरह से लग चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी गाड़ी के स्टीरियो को रिमूव कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।